प्लीज कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में, इन द लास्ट सेशन, हम लोगों ने एग्जाम्पल 9.1, 9.2 और 9.3 सॉल्व किया था, और ये एग्जाम्पल्स दे वर रिलेटेड टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वापस से ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, तो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। अभी लाइक पोल का मतलब क्या होता है? पहले बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे बैटरी का पॉजिटिव, पहले बैटरी का नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव, ऐसा कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो ये दोनों बैटरीज का कॉम्बिनेशन, इसको हम यूज करते हैं करंट सेंड करने के लिए, कहाँ से? 2 ओम के रेजिस्टेंस से। कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको अभी सर्किट डायग्राम बनाते आना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम मैं आपको बना के देता हूँ। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हमारे पास कितने बैटरीज थे? 2। कितने थे? 2। और दोनों का क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक काम करता हूँ, ये एक बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज ई। ओके, 2 बैटरी है, इन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज, तो यहाँ पे और एक बैटरी है। बट अगर ये ऊपर वाला बैटरी पहला है तो इसके वोल्टेज को, इसके EMF को नाम दे देंगे E1, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को बोल देंगे R1, ये है R2 और ये है E2। और अगर आपको याद होगा, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए बैटरी और उसके रेजिस्टेंस को ऐसा शो करते हैं इनसाइड दिस ब्रैकेट, इनसाइड दिस रेक्टेंगल। अभी इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज है ये तुम यूज कर रहे हो टू सेंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। मतलब इन दोनों को छोड़ के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो वो तुमने यहां लगा दिया। और मैंने कल आपको बताया था कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कहीं पे भी लगाओ, मतलब आप इसको नीचे, यहां या ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, बराबर, गुड। और जो क्वेश्चन बोला था वैसे ही है क्या? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यस। नेगेटिव के साथ नेगेटिव, यस। अब गिवन पैरामीटर में आपको क्या क्या वैल्यूज दिए है पहले वो आइडेंटिफाई करो। आपको पहले EMF दिया है, कितना दिया है? 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, कितना है? 1 ओम, ऐसा बोला उन्होंने, 1 ओम। और जो दूसरा बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है? 1, मतलब E2 की वैल्यू कितनी है? 1। और R2 कितना है? 1 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, राइट। अब इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लो। पहले E1 से करंट आएगा I1, E2 से करंट आएगा I2। इसको A पॉइंट बोलता हूं, उसको B बोल देता हूं, उसको C बोल देते हैं DE एंड F। तो ये जो B पॉइंट है और ये जो E पॉइंट है, दे आर जंक्शंस। I1 करंट आया B पे और I2 भी आया B पे, और ये दोनों मर्ज हो गए, I1 प्लस I2 बन गए, कहाँ गए? R पे। E पॉइंट पे आके I1 फर्स्ट बैटरी से आया था तो फर्स्ट बैटरी में वापस गया, I2 सेकेंड बैटरी से आया था तो सेकेंड में वापस गया। तो ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट, बराबर, दिस इज कंप्लीट सर्किट। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, क्या बोला है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट मतलब क्या? I1 प्लस I2। तो क्या फाइंड करना है आपको? I1 प्लस I2। ओके, तो अब ये डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ अगले पेज पे, क्योंकि लगने ही वाला है ये। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कल आपको मेथड बताया था, याद है क्या? क्या क्या फाइंड करना है? I1 और I2। तो 2 लूप सिलेक्ट करो सच दैट एक लूप में I1 होना चाहिए और एक लूप में I2। तो अगर मैं ऊपर का लूप लेता हूँ A,
बी ई एफ ए, इसमें कौन सा करंट है आई हमारा। और अगर मैं नीचे का लूप लेता हूँ बी सी डी ई बी, कौन सा करंट है आई टू, तो दो लूप ले लेंगे कंसिडर। और ट्रेसिंग आपको जैसा करना वैसा करो, कंपल्सरी नहीं ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज अप टू यू। ए बी ई एफ ए कंसिडर लूप, लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ये लूप ले लिया। ए से बी यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं। यहाँ पे ईएमएफ है क्या? नहीं। तो कुछ नहीं होगा। बी टू ई जाते वक्त बीच में कौन है? रेजिस्टेंस, तो ड्रॉप होगा क्या? यस। और ड्रॉप क्या होता है? आई वन प्लस आई टू इंटू आर। लेकिन आपका जो ट्रेसिंग का डायरेक्शन है, आप कहाँ से कहाँ ट्रेस कर रहे हो? बी से ई। और करंट का डायरेक्शन भी क्या है? बी से ई। तो क्या लिखते हैं? माइनस। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड कन्वेंशनल करंट इज सेम देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। ई टू एफ कुछ है? नहीं, कुछ नहीं होगा। एफ टू ए में पहले कौन आया? आर वन। और करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई वन आर वन। तुम ये जो बैटरी है इसको नेगेटिव से कहाँ जंप कर रहे हो? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। अब इस लूप में से तुमको मिल गया इक्वेशन। हो गया ये माइनस, एक काम करता हूँ ये माइनस माइनस का टर्म वहां भेज देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा ई वन इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर। ई वन की वैल्यू कितनी है? कितना है? फोर। आर वन कितना था? वन ओहम, वन ओहम। तो ये वन है तो बचा कौन? आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू, कैपिटल आर कितना है? टू। तो टू इंटू आई वन इज टू आई वन प्लस आई वन, तो कितना हो गया? थ्री आई वन प्लस टू आई टू, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर? पक्का पक्का? ये ऊपर का लूप था। अब सिमिलरली आप एक नीचे का लूप यूज करोगे, तो कौन सा लूप लोगे आप नीचे? कौन सा लूप? कंसिडर कौन सा लूप? बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। बी टू सी कुछ है क्या? नथिंग। बराबर, सी टू डी जब आ रहे हो तो प्लस से कहाँ जा रहे हो? माइनस। तो क्या लिखेंगे? माइनस ए टू। करंट सामने से आ रहा है, सामने से। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन से आए तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? आई टू। रेजिस्टेंस कितना है? आर टू। तो प्लस आई टू आर टू। फिर डी से ई कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, छोड़ दो। फिर ई टू बी, करंट कहाँ से आ रहा है? अपोजिट से। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे? प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर इक्वल टू जीरो। हो गया? गुड। तो यह आ जाएगा ई टू इक्वल टू, सिर्फ ई टू को वहां भेजा तो ये हो गया आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर। ओके, तो ई टू इक्वल टू। वैसे भाई तो भाई थोड़े से शॉर्टकट्स भी दिमाग में रखना, मैं तुमको डायरेक्टली आई वन आई टू में इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, तुम भी हाँ ओके ओके ओके। अरे देखो इधर कौन था, इधर कौन था, तो डायरेक्टली माइनस कर दिया तो तुम्हारा काम आसान हो जाता, होता ना आसान, क्योंकि फिर तुमको ये टर्म और ये टर्म डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती, तो ऐसा भी कर ही सकते हो। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम क्या होगा? पता है इसमें कौन है, इसमें कौन है, तो फिर भी आई वन आई टू में ही इक्वेशन बनेगा, तो थोड़ा सा मैथ्स साथ में चाहिए। चलो ई टू की वैल्यू बता दो, कितनी थी ई टू की वैल्यू? वन बोला है ना, वन वन। आई आर टू कितना है? वन। तो यह आ जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू टू, तो वन इक्वल टू टू आई टू और आई टू कितना? थ्री आई टू और टू आई वन, इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर टू
और इक्वेशन नंबर वन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन वन क्या है, 3i1 + 2i2, 3i1 + 2i2 इक्वल टू क्या है 4, और 2i1 + 3i2 इक्वल टू क्या है 1। इक्वेशन वन था, इक्वेशन टू था। इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, कितना 6, कितना 9, और कितना कितना 3, माइनस माइनस एंड माइनस, तो कितना आ गया ये -5i2 = -5, sorry, +5, तो i2 कितना आ गया -1, तो दिया है क्या -1 एम्पीयर। अच्छा आपको तो i1 + i2 पूछा है ना, आपको तो i1 + i2 पूछा है, तो अब एक काम करो, i2 की वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो 1 या 2 में से। देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स 3i1 + 2i2, लेकिन i2 -1 है, इक्वल टू 4, -2 वहां जाके +2, तो 3i1 = 6, तो i1 = 2, कितना आ गया 2, तो देयरफॉर i1 + i2 2 - 1, तो कितना आ गया 1, आंसर क्या है 1, है ना आंसर। ओके खत्म।